शूद्र ने पढ़ लिया तो उसके खाने में कीड़े निकलेंगे, तो सच में निकलते हैं क्या कीड़े? ये सवाल उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले से पूछा। मैं नागपुर से होने के कारण मेरे लिए आंदोलन, सामाजिक अवेयरनेस, ये तो जैसे बचपन में पिलाई हुई भुट्टी है दवाई की जैसी, जो खून में बस गई है, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लगता ही नहीं। हमें तो पता था 14 अप्रैल हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, हमें पता है 3 जनवरी हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, धम्म चक्र प्रवर्तन जो 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है वो हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, मतलब हमें ऐसे ही जिए हैं, हाँ ऐसे ही अब तक जिए हैं, इसके आगे भी ऐसे ही जीते रहे हैं। तो हम बात करते हैं स्त्री और पुरुष, मतलब निसर्ग में दो ही चीज़ें हैं जो दिमाग से सोचता है, एक स्त्री एक पुरुष, और निर्मिति में जैसे निर्माण हुआ होगा उस अवस्था में जब मानव की निर्मिति डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हो या किसी और सिद्धांत के अनुसार हो, पर ये दो ही व्यक्ति ऐसे जो सोच सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के साथ जीने के लिए है, दोनों भी अपने आप में एक ही है, मतलब अलग तो है ही नहीं वो, बट सिर्फ फिजिकली मौलिक रूप से उनमें कुछ ना कुछ भेदभाव है, बाकी उनमें समानता ही है क्योंकि वो एक दूसरे के अनुरूप है, एक दूसरे के लिए है। पर जैसे जैसे पृथ्वी का मतलब जैसे सूरज से टूटकर पृथ्वी बनी होगी, उसके बाद में पृथ्वी में जो संक्रमण हुआ होगा ज्वालामुखी भूकंप वगैरह, उसके बाद में मानव निर्मित हो गया होगा उस समय और अब में, फिर वो झुंड की लड़ाई हो गई होगी जंगलों में कि इसका ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, फिर श्रेष्ठता के चक्कर में अफ्रीका खंड अलग, उनमें कुछ और बातें हो गई होगी, अमेरिका खंड में कुछ और, भारत में हम चातुर्वर्णीय व्यवस्था तक आकर पहुंच गए होंगे, ठीक है, ऐसा मैं मुझे लगता है, जितना मैं पढ़ी हूँ उतना मैं समझ सकती हूँ, इसलिए ऐसा लगता है मुझे। हम जैसे 7000 साल पहले हमारी सिंधु संस्कृति थी और उसमें मातृसत्ता पद्धति थी, ये ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो उस वक्त कैसा होगा वो समाज, जब माँ अगर मातृसत्ता रहती है तो उसमें मौसी मामी चाची और जो रिलेशनशिप है स्त्रियों में वो प्रेम देने के लिए बने हैं, वो नवनिर्मिति के लिए बने हैं, तो वो बहुत सघनता होगी, बहुत अच्छा समाज हुआ होगा शायद वो। और फिर उसके बाद में जो हम कहते हैं जैसे इतिहास पढ़ा है, मतलब बीच बीच में मैं अलग अलग विषयों पर जाऊंगी, पर हम जैसे 3 तरह का इतिहास पढ़ते हैं, एक स्कूल में जो हमें सिलेबस में परीक्षा के लिए दिया जाता है, एक हम मैथोलॉजिकल इतिहास पढ़ते हैं जो पता नहीं है या नहीं है, और तीसरा हमारे सामाजिक इतिहास जो है ऐतिहासिक है, बस वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और वो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमें घरों से मिलता है, जो हमारे आंदोलनों से मिलता है और जो बड़े बुजुर्गों से मिलता है या हमारे गाइडर से मिलता है, जो कुछ हमारे संपर्क में आते हैं, जैसे हम जैसे लोगों के जो SC ST OBC कहलाते हैं उनके संपर्क में आते हैं, उन लोगों से पता चलता है और वो ऑथेंटिक भी है क्योंकि उसके ऐतिहासिक दस्तावेज है, जैसे 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले सातारा जिले के नायगांव में जन्मी थी, उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है ना, 1897 में उनका देहांत हो गया था, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो ऐसे हम 3 तरह का इतिहास पढ़ते पढ़ते बड़े होते और जब बड़े होते तब बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते कि हम मैथोलॉजिकल फॉलो करें, मतलब हम त्यौहार सेलिब्रेट करें या अपनी पुरानी परंपराओं को सेलिब्रेट करें, या हम जो नए सिरे से ऐतिहासिक इतिहास पढ़ रहे हैं हम उनको फॉलो करें, या हम फिर जो स्कूल में पढ़ाया गया है उन चीजों को माने, तो कंफ्यूजन होता है, पर जैसे पढ़ते जाइए, मतलब वाताल दर वाताल महात्मा फुले जी ने कहा है कि पढ़ोगे तो पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे जागरूक बनोगे, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे ये कंफ्यूजन, और हम पढ़ने के साथ उसका एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं, एक उम्र में जैसे 20 साल की उम्र में हमारे विचार कुछ अलग होते हैं तो 40 साल की उम्र में वो जाकर बदल जाते हैं, और अगर वो स्थिति कायम रही पढ़ने की सातत्य रहा पढ़ने का, तो हम बहुत मैच्योर भी होते हैं, हमें पता भी चलता है कि हमने वो पढ़ा था तब वो इस एंगल से सोचते थे और अब इस एंगल से हमारे ज्ञान में वृद्धि हो गई तो पढ़ते हैं, मतलब समझते हैं, तो ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते रहना चाहिए, मतलब हम जैसे लोगों ने तो पढ़ते ही रहना चाहिए क्योंकि पढ़ने के सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, और पढ़ते पढ़ते जागरूक होना चाहिए, और जागरूक समाज ही जागरूक महिलाएं ही, जैसे सावित्री क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है और एक पुरुष सीखता है पढ़ता है तो केवल वो अकेला पढ़ता है, तो ये फर्क है हमें और
पुरुषों में पढ़ने में, मतलब समाज जैसे बदल रहा है, अगर अभी एक पुरुष पढ़ता है तो घर भी पढ़ता है, पर जैसे समता, जो समता थी वो क्या है, स्त्री पुरुष में जो समता है वो समता का प्रतिनिधित्व, जो समता का मतलब जो फाउंडेशन रखा गया है, या हम जो देखते सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, ये समता के प्रतीक है, क्योंकि दोनों भी साथ साथ चले, साथ मतलब सावित्रीबाई क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले में भी कहीं ना कहीं वो ऊर्जा थी, उनको वो जिज्ञासा थी कि उनको पढ़ना है, और पढ़कर जो क्वेश्चन निर्माण हुए हैं, जैसे बोला जाता था कि अगर किसी शूद्र ने पढ़ लिया तो उसके खाने में कीड़े निकलेंगे, तो सच में निकलते हैं क्या कीड़े, ये सवाल उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले से पूछा, तो मुझे अब पढ़ के देखो तो पता चलेगा कि निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं कीड़े, ठीक है। अगर महिलाएं बाहर जाएगी घर के पढ़ लिख कर अगर जागरूकता फैलाएगी तो उनके हस्बैंड मर जाएंगे, तो बोले ठीक है हम प्रयोग करके तो देखते हैं ना। तो उस वक्त मतलब 1831 से लेकर 1897 तक, मतलब 68 तक सावित्रीबाई ज्योतिबा मतलब सावित्रीबाई का जीवन रहा है, और 92 में महात्मा फुले जी गुजर गए थे। तो इतना जो 66 इयर्स का काल था, 9 इयर्स से लेकर अगर उनको समझ आते आते 25 के ऊपर भी हो गए तो 25 से लेकर 66 जितने भी साल होते हैं, लगभग 30-35 साल, तो उतने साल में जैसे भगवान बुद्ध ने उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उम्र के 35 ईयर से लेकर 83 ईयर तक उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, ज्ञान बांटा, जागरूकता फैलाई, वैसे ही सावित्रीबाई फुले ने उनको जब ज्ञान की जागृति, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ऊंचे धर्म का ये नीचे धर्म का, इनको होना चाहिए उनको नहीं मिलना चाहिए, सभी को बांटते रहे आखिरी तक। मतलब जब पुणे में प्लेग आया था तो प्लेग के वक्त मतलब सब मर रहे थे, उनको से फोड़े हो रहे थे और जगह जगह पर लोग मर रहे थे, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा था, उन्होंने प्रशासन को लिखा था, तत्कालीन प्रशासन को, अंग्रेजी सरकार को, कि आप कुछ करिए, आपका काम है कि इनको बचाना, पर वो नहीं बचा पा रहे थे। तो उनका जो पुत्र था यशवंत, जिन्होंने उन्होंने जो दत्तक लिया था बचपन में काशीबाई से, तो उसको डॉक्टर बनाया उन्होंने, वो अहमदनगर में डॉक्टर था, उनको बुला लिया था और बोला था कि नहीं यहाँ पर प्लेग है, आप आइए और इन्हें बचाइए। तो खेत में उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था पुणे में, और वहाँ पर वो एक बच्चे को उठाते हुए, मतलब कितनी करुणा थी उस माँ में ना, मतलब वो करुणा की एक हद थी, जो 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 हम बोलते हैं सम्यक संबुद्ध प्राप्ति की एक जो स्टेज होती है, वैसे ही एक स्टेज सावित्री ज्योतिबाई फुले में थी, इतना करुणा में था कि उसने वो बच्चों को जिसको प्लेग हुआ था उसको पेट पर बैठा ला और हॉस्पिटल लेकर, जब उनको पता था कि वो उनको भी लग सकता है, उसमें उनका ध्यान भी हो गया, पर वो करुणा वो माँ में ही होती है, और माँ मतलब जो सृजन है, जो सृजनता की अपने आप में सृजनता जिसमें है, वो इतनी करुणा में होती है, और उतना करुणा में होना, मतलब अगर एक पुरुष ने स्त्री के गुण हासिल कर लिया तो वो भी उतना करुणा में हो सकता है, और वो तो थी ही, मतलब सावित्री बाई से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब उनका इतिहास सभी को पता है। हम अभी मतलब अभी 2023 चल रहा है, इसमें इतना भौतिक सुख में बहुत सारे लोग लिप्त होते हैं, पर हम जैसे लोगों को, हम जिस समाज से आते हैं या हम जागरूक होते हैं, उन लोगों को ये जानना जरूरी कि पीछे बहुत लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है और हमें उन्हें देना है। जैसे मैं मुझे पता है कि मैं मुझे सब कुछ मिला है, केवल आरक्षण के बदौलत मिला है, या बाबा साहेब की कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे माँ बाप में थोड़ी सी जागरूकता थी इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद में अपना कुछ स्ट्रगल रहा और यहाँ तक पहुँची, पर यहाँ तक पहुँचने का मतलब वही थे इसलिए, और उन्होंने भी प्रेरणा जो ली महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से, उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि गौतम बुद्ध महात्मा फुले और कबीर मेरे गुरु है, पर महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ वो एक रूप है सावित्रीबाई फुले, हम उनसे उनको अलग नहीं कर सकते उनसे, मतलब उन्होंने नहीं पढ़ा, पर जो पढ़ा वो दिमाग में रखा, और जो दिमाग में रखा उन्होंने वो रखा। तो ऐसे ही मतलब हम जैसे, मुझे तो कोई कितना भी बोल दे बदल जा तो मैं बदलने से नहीं, क्योंकि वो संस्कार बात है कि आप कैसे बर्ताव करते हैं, इसमें भी मतलब 40 अभी 43 तो
43 इयर्स में नाना जी को देखते आई रही थी, इसलिए हम ऐसे बने हैं। और हम ऐसे बने मतलब हमारी नानी मेरी मम्मा थी, उन्होंने भी कभी हमारे घर पर मतलब सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगेगा, जो 22 पति के जो पालन की थी वो सच में वो ऐसे बोलने की बात नहीं है बट वो बिहेवियर में था उनके। तो हमारे घर में भी उसके बाद में कभी हम पूजा हुई नहीं, तो हमें भी पता नहीं कि कैसे करते। हमें तो कभी कभी ऐसे लगता है दिल्ली में आकर मुझे, क्योंकि हम यहाँ पर अल्पसंख्यक है, तो मुझे लगता है यार हमें तो पता ही नहीं, हम संस्कृति के बाहर के लोग तो नहीं है। कभी कभी ये महसूस होता है कि हमें तो ये ऐसे पूजा की जाती है, ये ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम अपने हमारे घर पर था ही नहीं कभी वो। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी उसे उनको जानकारी होने की या जानने की, तो हम तो ऐसे ही पाले बड़े। तो एक ये है कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग कैसा बिहेव करता है उसको देख देख कर बच्चे बिहेव करते हैं। और आप जिस त्यौहार को ज्यादा अच्छे से घर पर सेलिब्रेट करोगे वही त्यौहार उस बच्चे के संस्कार में गुजरे रहेगा और वही वो वैसे बढ़ेगा। अभी 1 जनवरी में बहुत लोगों को पता होगा कि शौर्य दिन के तौर पर भीमा कोरे गाँव में सेलिब्रेशन होता है, और उसी दिन सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले ने पहली स्कूल की स्थापना भी की थी। मतलब ये हमारा इतिहास हमें नए सिरे से बच्चों को बताना भी है, और उसके प्रति जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर भी करते हैं तो अभी 50 मैसेज आ जाते हैं कोरेगांव से रिलेटेड, या सावित्री बाई ने पहले जयंती सेलिब्रेट की थी उसके भी, सावित्री बाई की पहली स्कूल खुली थी उसकी भी। तो ये है कि हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। मतलब मेरे भी दो लड़कियां हैं, मतलब मैं मेरी थैंकफुल की मुझे 2 लड़कियां हुई है, और वो भी स्कूल में जाती है तो वो तो कॉन्वेंट में पढ़ती है। अब वो कॉन्वेंट में पढ़ती है तो उनको स्कूल में अलग बताया जाता है, पर ये तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उन्हें बताना ही है कि हम कहाँ से हैं, हम किस मिट्टी से हैं, या हम इस मिट्टी से भी फिर भी हम अलग हैं, हम अलग, हम भारतीय ही हैं, हम पहले भी भारतीय रहेंगे, मातृ भी भारतीय रहेगी, पर ये भारतीय होने के साथ हम जागरूक भारतीय हैं, हम वैज्ञानिक तौर पर जी रहे भारतीय हैं, हमें ये बताना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से मतलब मंदिरों में 1 करोड़ दान जाते होंगे, तो थोड़ा बहुत हम एनजीओ में या फिर जो पढ़ रहे बच्चे हम उनको तो दे सकते हैं ना। मतलब देखिए आखिरकार देश तो हमको ही चलाना है, आज नहीं तो कल। जो और वैज्ञानिक लोग अल्पसंख्यक ही होते हैं हमेशा, वो बहुत बहुसंख्यक नहीं रहेंगे। इंटेलेक्चुअल कम ही होता है, इंटेलेक्चुअल सारी दुनिया को चलाते हैं, और इंटेलेक्चुअल बनाने की जिम्मेदारी ये 192 इयर्स बैक तब तो जन्म हुआ था, मतलब उम्र के 20 साल से सावित्री बाई फुले ने ली थी, इसीलिए महाराष्ट्र को हम फुले अम्बेडकर और शाहू का महाराष्ट्र कहते हैं। और जो बात उन्होंने की है करी है वो बात ना भूलने वाली थी। हर एक में एक ऊर्जा होती है, और उस वो कितना भी कितने भी दुख कष्ट समस्याएं कुछ भी आए, पर अगर उसे एक चीज पाना होगा तो पाकर ही रहेगा। महात्मा फुले और सावित्री बाई के काल में हम अंग्रेजों की सरकार के अधीन थे, और तब भी विपरीत परिस्थिति थी। बाबा साहब के टाइम में भी विपरीत परिस्थिति थी, फिर भी उन्होंने आउट ऑफ कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में एजुकेशन लेकर इकोनॉमिक्स बनकर भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए जो कुछ किया वो तो उसकी तो तुलना किसी से नहीं हो सकती है। तो ऐसा है कि हम तो बहुत खुद को फॉर्चुनेट कहेंगे कि हम इस परंपरा से बिलोंग करते हैं जिसमें वैज्ञानिक सोच है, वो बुद्धा से लेकर बाबा साहेब तक, और जो भी हमारे इर्द गिर्द रहता है, जो नहीं आया पर वो हमें गाइडेंस करते रहता है, उन सभी को अभिवादन करते हुए। और मुझे इस मतलब बात रखने के लिए आपने मंच उपलब्ध किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।